डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स जो कि F6 के और एडवांस टैक्सेशन के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो है ओवरसीज एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले हम अपनी डिस्कशन को क्लासीफाई कर देते हैं कि आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं आउटसाइड EU और आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम विद इन EU। उससे ये होगा कि आपको ये क्लासिफाई करने में आसानी होगी कि आप पहले ये याद कर लीजिए कि जी आउटसाइड EU के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के रूल क्या हैं, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के। उसके बाद विद इन EU के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के रूल क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्ट की, इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड EU। सबसे पहले बात की जाएगी गुड्स की, क्योंकि हमें गुड्स और सर्विसेज दोनों की इंपोर्ट्स की बात करनी है। सो जब आप आउटसाइड EU गुड्स UK में इंपोर्ट करते हैं तो VAT चार्ज होता है आपके ऊपर लाइक अ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, जो कि एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन आपसे चार्ज की जाती है। So technically it's a VAT, but it is like a custom duty. और इसमें ये possibility हो सकती है कि अगर आपने वो goods immediately एक bounded warehouse में और free zone में रखवा दिए तो VAT postpone हो जाएगा until the goods are removed from the warehouse or from that zone. वरना at the time of importation आपको जो VAT देना पड़ेगा which is like a custom duty आप उस वक्त pay करेंगे। उसकी date क्या होगी? All VAT on imports to be paid on the 15th of the month following the month of importation. जिस महीने में आपने importation की उसके next month की 15 की date तक आपको ये तमाम payments VAT की करनी है। अब आपने तो VAT pay कर दिया, लेकिन that VAT which you have paid वो आप input claim कर सकते हैं अपने क्वार्टरली रिटर्न के अंदर। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपने गुड्स इंपोर्ट किए इज अ टाइप ऑफ परचेज, तो परचेज के ऊपर तो जो टैक्स होता है अल्टीमेटली वो हमें वापस मिल जाता है, तो हमने उसको आउटपुट कंसीडर किया, फिर दोबारा उसको हम इनपुट में क्लेम कर लेते हैं, और हमारा नेट इफेक्ट क्या होगा? द नेट इफेक्ट इज दैट द सेम एज इफ द गुड्स वर बॉट विद इन द UK। सिर्फ टाइमिंग का फर्क है, वरना आप UK से अगर कोई गुड्स खरीदते हैं और आप टैक्स रजिस्टर्ड हैं तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर लेते हैं और निल अफेक्ट हो जाता है। यहाँ भी सेम चीज है। तो इसे याद करने का तरीका ये है कि जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस है कि आपको इसको इम्पोर्ट ड्यूटी की तरह ट्रीट करना पड़ता है, अदरवाइज पहले आप टैक्स पे करेंगे, बाद में इनपुट का क्लेम लेंगे और आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। नाउ एज फार एज द सर्विसेज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज आउटसाइड EU इज कंसर्न, तो ट्रीटमेंट इज सेम एज सर्विसेज परचेज फ्रॉम विद इन EU। सो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो EU से ली जाए या आउटसाइड EU से ली जाए उसका ट्रीटमेंट एक ही है, जो कि हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं। सो ये हमारा इम्पोर्ट और इम्पोर्ट आउटसाइड EU का केस कंप्लीट हो। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट आउटसाइड द EU। अगर आप UK से बैठकर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं आउटसाइड द EU, सो दैट एक्सपोर्ट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई। और जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है कि आप अपने कस्टमर से उस पर कोई VAT चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने VAT पे कर दिया था तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन नो आउटपुट। सो इनपुट कैन बी क्लेम बट आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, UK में बैठकर कोई शख्स सर्विसेज दे रहा है, कोई बिजनेस सर्विसेज दे रहा है किसी आउटसाइड कंट्री को, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई तो आउटसाइड EU है, और प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से जो रूल्स बनते हैं दैट इज द रीजन व्हाई इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ VAT, यानी कि इसकी VAT कॉन्सिक्वेंसेज होते ही नहीं। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के VAT कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के VAT कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। तो हमने चार एरियाज इसके अंदर कवर कर लिए, गुड्स की इंपोर्ट और सर्विसेज की इंपोर्ट, और गुड्स की एक्सपोर्ट विच इज जीरो रेटेड, और सर्विसेज की एक्सपोर्ट विच इज आउटसाइड ऑफ द स्कोप। अब बात कर लेते हैं
विद इन ईयू, ट्रांजेक्शन विद इन ईयू, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी सप्लाई होगी वो जीरो रेटेड कंसीडर की जाएगी कंट्री ऑफ ओरिजिन में। सो अगर फॉर एग्जांपल यूके से सप्लाई की जाती है तो कंट्री ऑफ ओरिजिन यूके हुआ, वहां पर वो जीरो रेटेड कंसीडर की जाएगी। वैट कहां चार्ज किया जाएगा? अप्रोप्रिएट रेट इन फोर्स इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। से यूके से आपने विद इन ईयू किसी को गुड्स सेंड किए तो एक्सपोर्ट किए तो यहाँ तो जीरो रेटेड कंसीडर किया जाएगा यूके में, लेकिन डेस्टिनेशन पर जहाँ वो गुड्स जा रहे हैं वहां पर रिवर्स चार्ज प्रोसीजर अप्लाई होगा। हम आगे जाके देखते हैं व्हाट इज रिवर्स चार्ज प्रोसीजर। रिवर्स चार्ज प्रोसीजर अप्लाई होगा। बेचने वाला सप्लायर डज नॉट अकाउंट फॉर आउटपुट वैट, सप्लाई इज जीरो रेटेड। सप्लायर कोई भी सप्लायर विद इन ईयू, कस्टमर मस्ट अकाउंट फॉर वैट ऑन देयर वैट रिटर्न एट द रेट इन फोर्स इन कस्टमर्स कंट्री। तो अगर कोई ईयू से यूके में मंगवाता है तो भेजने वाला जीरो रेटेड कंसीडर करेगा, खरीदने वाला उसके ऊपर वीएटी चार्ज करेगा। वीएटी सफर्ड बाय द कस्टमर मे बी रिक्लेम्ड बाय देम एज एन इनपुट टैक्स इन द अप्रोप्रिएट क्वार्टर। तो रिवर्स चार्ज यही होता है कि एक दफा आप आउटपुट शो करते हैं और दूसरी मरतबा आप इनपुट क्लेम कर लेते हैं। हाँ, मे बी इसलिए लिखा हुआ है कि समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू गेट योर इनपुट बैक। The output VAT on purchases from the EU must be accounted for by the customer in their VAT return for the date of acquisition. The date of acquisition is the date of the VAT invoice, which must be issued by the 15th day of the month following the month in which the goods come into UK. So date of invoice ke hisab se, jo ke 15 din ke andar ho jani chahiye following the month, uske hisab se aap usko relevant quarter mein fall karenge. This is the reason why both output and input tax falls in the same quarter. And cancel out unless the business is partially exempt and makes exempt supplies and therefore cannot claim input tax. अगर business normal है और zero rated या standard rated goods बेच रहा है तब तो ये output और input एक ही quarter में जाके net off हो जाएगा, वरना इसके consequences different होते हैं। अगर supply of services आती है within EU, the place of supply varies depending on whether the customer is a business or non-business customer. इस पे डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है जो सर्विस रिसीव करने वाला है वो एक बिजनेस कस्टमर है या नॉन बिजनेस कस्टमर। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हम एक बिजनेस कस्टमर को भी कर सकते हैं और एक नॉन बिजनेस कस्टमर को भी कर सकते हैं। फर्क क्या है? अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं किसी बिजनेस कस्टमर को तो जहां कस्टमर होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, लेकिन नॉन बिजनेस कस्टमर के लिए जहां सप्लायर होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखनी पड़ेगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से हम B2B को चेक करेंगे और B2C को चेक करेंगे। अब एक चार्ट आपको हेल्प कर सकता है, तो इसके अंदर इसको आप फिलहाल इग्नोर करते हैं। फोकस ऑन सप्लाई सर्विसेज टू ओवरसीज बिजनेस कस्टमर। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज ओवरसीज, क्योंकि B2B में जहां कस्टमर होता है वो, और क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई ओवरसीज है इसलिए आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूके वीएटी, क्योंकि कस्टमर जो है वो आपकी कंट्री में नहीं है, वो ओवरसीज है इसलिए आउटसाइड द स्कोप ऑफ वीएटी आएगा। और अगर आप सर्विस रिसीव करते हैं आउटसाइड ओवरसीज बिजनेस से B2B, सो प्लेस ऑफ सप्लाई अब हम यूके के अंदर है, रिवर्स चार्ज प्रोसीजर लगेगा। एंड व्हाट इज रिवर्स चार्ज प्रोसीजर? पहले आप आउटपुट देंगे बाद में उसे इनपुट क्लेम कर लेंगे। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जो टैक्स पॉइंट निकाला जाता है, टैक्स पॉइंट विल अकर ऑन द अर्लियर ऑफ व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड और व्हेन इट इज पेड फॉर, जो पहले डेट आ जाएगी। और अगर कंटिन्यूअस सप्लाई हो टैक्स पॉइंट विल बी द एंड ऑफ ईच बिलिंग और पेमेंट